फरमाने मासूम की बेइंतहा ताकीद की गई, इसलिए कहा कि 40 अहादीस जरूर हिफ्ज करो, बेइंतहा ताकीद है। फरमाने मासूम को जरूर सीखो, पढ़ो, सीखो, इसकी बरकत है। इंसान की दानाई बढ़ती है, हिकमत बढ़ती है जब फरमाने मासूम को कोई हिफ्ज करता है और सीखता है। खुसूसन नहज बलाग के तीन हिस्से, तीसरा हिस्सा कलिमात क़िसार है, मुख्तसर अहादीस है, 480 मुख्तसर अहादीस है, बास बहुत तुलानी है उसमें भी, लेकिन ज्यादातर मुख्तसर। जैसे अलकनात मालुन ला यनफद, कनात वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। कनात कंटेंटमेंट इज अ ट्रेजर दैट नेवर एंड्स। कंटेंटमेंट यानी कनात एक ऐसे खजाने का नाम है जो कभी खत्म नहीं होता। हर दौलत खत्म हो जाती है लेकिन मौला फरमाते हैं कनात कभी खत्म नहीं होती। ऐज़ाने गिरामी, फरमाने मासूम की बहुत ताकीद है। एक अभी इंतकाल हो गया गुज़श्ता बरस या उससे पिछले बरस, एक दो साल पहले, जॉर्ज जोर्डक, बहुत बड़ा एक ईसाई राइटर था, क्रिश्चियन राइटर था लबनान का, जिसने अरबी में जनाब अमीर से मुतालिक बहुत किताबें लिखी और सबसे ज़्यादा मशहूर सी किताब जो है वो द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस के नाम से, अस्सौतुल अदालतुल इंसानिया, अरबी में किताब लिखी थी और इंग्लिश में तर्जमा हुई। इंग्लिश में उसका वो ब्रीफ ट्रांसलेशन है जो 400 सफ़ों में छपा है, असल किताब 5 जिल्दों में। उसने जनाब अमीर को कब उसने पढ़ना शुरू किया, कहा मुझे जगह तकरीर कर रहा था तो मुझे अचानक एक शिया ने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लुबनानी अरब स्पीकिंग, अरबिक स्पीकिंग था, तो कहा मैं आपके लिए नहजुल बलागा लेके आया। कहा ये किसी किताब है, कहा ये अली इब्न अबी तालिब के कलाम को नहजुल बलागा कहा जाता है। और से सुनिएगा तमाम हज़रात, कहा अच्छा ये नहजुल बलागा अली इब्न अबी तालिब का कलाम है, कहा कितने 100 साल पहले ये कलाम लिखा गया, कहा 1400 साल पहले, तो कहा मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, अपने जहन में सोचता 1400 साल पहले एक आदमी ने कुछ लिखा है, मेरे किस मकसद का, किस काम का, किस मेरे किसी दर्द के लिए नहीं। कहा मैं घर गया, मैंने किताब को रख दिया, खोला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। कहा एक दिन वैसे ही बैठा हुआ था कोई किताब पढ़ने के लिए, क्योंकि आलिम था, बहुत फाजिल आदमी था, कहा मैंने नहज बलागा एक जगह से खोली, एक खुतबा देखने लगा दरमियान से, तो खुतबा था कि अल्लाह ने हर शय को पानी से खल किया। कई जुमला पढ़ा, मैंने फौरन किताब को बंद किया, रख दिया, कहा ये आदमी को साइंटिस्ट है, इसको ये को पढ़ा लिखा आदमी है, इस हर चीज़ को पानी से खल किया, पानी से कहाँ चीज़ें खल हुई हैं। क्या मैं इस बात पे नाराज हुआ, मैंने किताब को रख दिया। कहा टेलीविजन बैठा देख रहा था, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल अरबी को देख रहा था, उसमें एक जुमला आया कि हर चीज जो कायनात के अंदर मौजूद है उसकी इब्तदा पानी से हुई है। कहा जब मैंने साइंस से यही जुमला सुना तो मजबूर हो गया कि मैं दोबारा नहजुल बलागा पढ़ूं कि वो अली जिसके जमाने में साइंस थी ही नहीं, वो साइंस के वो फॉर्मूलास बता रहे हैं जो आज 1400 साल बाद दरियाफ्त हुए। कहा फिर मैंने अव्वल से आखिर तक नहजुल बलागा को एक मरतबा नहीं 200 मरतबा नहजुल बलागा को पढ़ा, और उसके बाद फिर मैंने किताब लिखी असातुल अदालतुल इंसानिया, अगर इंसानियत की अदालत की आवाज को देखना चाहते हो तो एक मरतबा अली को देख लो। इंसानी अदालत की आवाज का नाम अली है, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। ह्यूमन जस्टिस की अगर आवाज देखना चाहते हो तो वो अली इब्न अबी तालिब है। उसका जुमला है कि तारीख में जुल्म, शिद्दत जुल्म की वजह से बहुत से अफराद कत्ल किए गए हैं, लेकिन शिद्दत अदालत की वजह से सिर्फ अली इब्न अबी तालिब को शहीद किया गया। फरमान मासूम पे बहुत ताकीद।